दोस्तों ये कहानी है वीर महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के उस युद्ध की जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। तो जब हल्दीघाटी के युद्ध में वीर महाराणा प्रताप ने अपनी सारी संपदा खो दी थी, अपने वीर राजपूत भाइयों को खो दिया था और वीर महाराणा प्रताप जंगल में सूखी घास की रोटियां खाकर रात से दिन और दिन से रात काट रहे थे, तब एक दिन वीर महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी की रोती हुई आवाज सुनी और वीर महाराणा प्रताप बोले, पुत्री तुम क्यों रो रही हो। तब बेटी ने जो जवाब दिया वो राणा तो क्या, बल्कि हर पिता का हृदय चीर देने के लिए पर्याप्त है। सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न तुझको आती है दशा देखकर मेरी। रोती थी तो देखकर देता था मुझको मिठाई, अब खाने को रोती हूँ तो क्यों आती है तुझे रुलाई। वो कौन शत्रु है जिसने सेना का नाश किया, तुझको माँ को हम सबको वनवास दिया। एक तीखी सी तलवार मुझको भी दे दे, मैं उसको मार भगाऊं, बस मुझको लड़ने दे। बेटे की बात सुनकर वीर महाराणा प्रताप क्या बोले, इनका जवाब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज इस वीडियो पर क्लिक करें और जाने वीर महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे की सारी कहानी। धन्यवाद।